हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है इन सभी से, और साथ ही बात करेंगे डार्क सीरीज के हिंदी डब को लेकर, क्योंकि आप में से कुछ लोग हमेशा इस सीरीज की हिंदी डबिंग को लेकर कमेंट करते हैं। तो क्या है क्या नहीं है सभी के बारे में बात करेंगे। एंड फॉर दिस वॉच वीडियो टिल दी एंड। अब देखो, अगर बात करें डार्क सीरीज के हिंदी डब को लेकर, तो देखो प्रेजेंट टाइम में इस शो की हिंदी डबिंग को लेकर बात साफ साफ कुछ ऐसी है कि मैं इसके बारे में बस एक ही लाइन कह सकता हूँ कि ना तो इसकी हिंदी डबिंग को कैंसिल किया गया है और ना ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस किया गया है। कहने का मतलब, ना तो नेटफ्लिक्स ने और ना ही इस शो के डबिंग स्टूडियो साउंड एंड विजन इंडिया ने इस शो की हिंदी डबिंग को लेकर ऐसा कुछ भी रिवील किया है जिसके बिना पर मैं ये कह सकूं कि हाँ, इस शो का हिंदी डब आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करें इनसाइड सोर्सेज की, तो उनका बस यही कहना है द डबिंग इज अंडरवे। और सिर्फ इसकी हेल्प से हम ये गैस बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ये शो हमें एग्जैक्टली कब तक देखने को मिल पाएगा, बट हाँ, इसका हिंदी डब आएगा और तब तक के लिए बस हमें इसकी न्यूज का वेट ही करना पड़ेगा। बट एक अच्छी अपडेट निकल के आई है स्पाइडरमैन लवर से, क्योंकि हाल ही में केविन फाइगी ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन 4 इज इन द डेवलपमेंट विद मार्वल स्टूडियोज, एंड फिलहाल वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि अब स्टोरी कहाँ को जाएगी। और अगली अच्छी न्यूज निकल के आई है द विचर फैन से, एंड होप करता हूँ कि आप सभी ने द विचर का सीजन 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर हाँ तो यहाँ पर पोल करना बिल्कुल भी मत बोलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसको लेकर अच्छी न्यूज ये निकल के आई है कि इसकी प्रीक्वल सीरीज द विचर ब्लड ओरिजिन का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद शो के बारे में बहुत कुछ तो मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि है तो ये टीजर ही बस टीज करने के लिए है। और बाकी शो की कहानी द विचर की मेन टाइमलाइन से करीबन 1200 साल पहले की होगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले विचर की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, एंड साथ ही एल्वेन हिस्ट्री भी, जिसको लेकर द विचर सीजन 2 में काफी कुछ दिखाया गया है। और वहीं अगर बात करें द विचर सीजन 3 की, तो देखो इस शो का करंट स्टेटस ये है कि नेटफ्लिक्स ने इस शो का पार्ट 3 यानी कि सीजन 3 के लिए ऑलरेडी रिन्यू कर दिया है, एंड प्रेजेंट टाइम में इस शो की राइटिंग पर वर्क चल रहा है एंड साथ ही कास्टिंग पर भी, और करीबन 2023 के फर्स्ट हाफ तक आपको सीजन 3 देखने को मिल पाएगा। और बाकी फैंस हैशटैग द विचर कमेंट करना मत भूलना। और वहीं अगर बात करें नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज आर की 81 के बारे में, जो कि एक अमेरिकन हॉरर सीरीज है, एंड ये शो इंस्पायर्ड है एक रियल हॉरर फुटेज से इसी सेम नाम के, जिसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। और बाकी ये शो आपको देखने को मिल जाएगा 14 जनवरी 2022 को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। और बाकी फ्यूचर में इन सभी के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए तही, और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप में से कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।